जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमें फिलहाल नई दिल्ली में, और थंबनेल से और यहाँ बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे, आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं नई दिल्ली से मुंबई तक तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। कोविड काल से पहले मैंने सीआर राजधानी में ट्रैवल किया था। खाना पीना बहुत ही लाजवाब था, फर्स्ट एसी बहुत ही लाजवाब था। आप लोग के कमेंट्स आ ही रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे की राजधानी को रिव्यू करिए, क्योंकि भाई आपसी में सीआर और वेस्टर्न रेलवे में जंग सी छिड़ी हुई है कि भाई कौन सी राजधानी बेहतर है। ये चीज़ तो कहना बिल्कुल ही नामुमकिन है कि कौन सी बेहतर है, क्योंकि दोनों ही राजधानियों को अपनी अपनी जगह पे बहुत ही प्राइड मिलता है, और साथ ही साथ दोनों ही राजधानियों की खाने पीने की सुविधाएँ बेहतर होंगी ही। वैसे मुंबई राजधानी में आज मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट एसी में। इसका इंटीरियर मैंने सुना है बहुत ही लाजवाब है, तो भाई मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से अंदर चलते ट्रेन के, देखा जाए मुंबई राजधानी का अपने इंटीरियर फर्स्ट एसी का, और आज की सर्विसेज आप लोग मेरे साथ नई दिल्ली से मुंबई तक पूरा इन्जॉय करने वाले हैं। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी अपनी तेजस राजधानी, अब जल्दी से चला जाए अंदर। तो दोस्तों आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सत्या भाई आप इतनी आसानी से इतनी सारी ट्रैवलिंग अपनी प्लान कैसे कर लेते हो, टिकट कैसे मिल जाती हैं। तो मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ वीगो ऐप को, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़, ये सभी चीज़ें बुक कर सकते हैं। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट, 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, हाल ही में अब वीगो ने ट्रेन ट्रैवल बुकिंग भी शुरू की है। वैसे अपनी ये टिकट भी मैंने वहीं से बुक की है, जिसका बुकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेन आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन डालिए, मतलब अपना सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे चूज़ करिए, साथ में डेट ऑफ जर्नी चूज़ करिए, और फिर आप यहाँ पे ट्रेन सर्च करिए, और जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल ट्रेन है उसे आप यहाँ से ईजिली बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है कि क्या कन्फर्मेशन चांस है उस ट्रेन में। मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक सलाह ये भी रहेगी कि जिस रूट में आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, सेम रूट पे एक बार फ्लाइट का किराया भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीगो ट्रेन से कम किराए में फ्लाइट की टिकट प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, प्लीज़ उसे अपडेट कर लो, क्योंकि नए ऐप में बहुत सारे फीचर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाओ वीगो ऐप को डाउनलोड करो, अपनी ट्रैवलिंग को और ईजी एंड स्मूथ बनाओ। तो गाइस कुछ ऐसी दिखती है अपनी मुंबई राजधानी, और ये है इसका कूप जिसमें आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और देखिए कमाल के कर्टन्स इसमें पड़े हुए हैं, वाओ, और विंडोज़ एकदम नीट एंड क्लीन। बाकी यहाँ पे बेडशीट वगैरह मिलने लगी हैं ट्रेनों में, तो आप देखिए यहाँ पे अच्छा खासा मोटा ब्लैंकेट, साथ में नए पिलो, और यहाँ पे और भी ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं, और साथ में सीढ़ियाँ आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे हैं कर्टन्स ट्रेन के, खूबसूरत सा यहाँ पे मिरर दिया गया है जिसके दोनों तरफ सीनरीज लगाई गई हैं। ये देखिए ट्रेन की सिक्योरिटी कितनी गजब है यहाँ मुंबई राजधानी की, बस कुछ ही समय में चलेगी और ये जो डोर्स हैं ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारी ट्रेन को वडोदरा शहर का WAP-7 लेके जाएगा पूरा नई दिल्ली से मुंबई तक। यहाँ बिल्कुल 4:55 पे हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। खैर डोर्स वगैरह बंद हो गए वो तो आप लोगों ने देखा ही, इसलिए बाहर से तो कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं, पर इधर से आप देखिए क्लैरिटी कितनी ज़ोरदार है। यहाँ पे वैशाली सुपरफास्ट के रेक्स वगैरह खड़े हुए हैं, और नई दिल्ली से हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवेज़ के 3 लुक्स वाले कोच, पहले तो ये हमसफ़र की लिवरी आप देख सकते हो, दूसरी यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेक्स जो आपने हमेशा ही देखे होंगे, और तीसरी वेराइटी आपको ये बीजललेस रेक्स यानी आप कोचेस कह सकते हो, ये आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लुक्स इनका काफ़ी कमाल का यार, यही हर ट्रेन में अगर राजधानी वगैरह में लगाया जाए तो राजधानी बहुत ही कमाल की लगेगी। जब भी आप ऐसी तेजस राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, वो है ऑटोमेटिक डोर्स। तो भाई किसी को छोड़ने आओ या आप खुद यात्रा कर रहे हो तो अपने साथ वाले पैसेंजर को या जो आपको छोड़ने आए उन्हें टाइम से बाहर ज़रूर उतार देना, क्योंकि कई बार कई लोग फंस जाते हैं इसमें। यह है निज़ामुद्दीन जबलपुर एक्सप्रेस गोंडवाना। और उसके उस तरफ खड़ी हुई अगस्त क्रांति राजधानी। यहां हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है पश्चिम एक्सप्रेस को, जो कि अमृतसर से बांद्रा के बीच में चलती है। काफी कमाल की ट्रेन है,
लेकिन हमारी राजधानी जब हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है तो ओवरटेक का मौका तो मिलेगा ही। दोस्तों नई दिल्ली से चलने के बाद फरीदाबाद पे हुआ पश्चिम का ओवरटेक, और मैं आप लोगों को बता दूं अब अगला स्टॉप हमारा सीधा जाकर के है कोटा। बीच में मथुरा, भरतपुर, सवाई माधोपुर कुछ भी नहीं रुकने वाले, सीधा 465 किलोमीटर की दूरी है ना लगभग 465 ऑलमोस्ट है, और रात में 9:30 बजे जाके रुकेगी सीधा 5 बजे चलने के बाद, मतलब 4 घंटे कुछ मिनट में उतना ही डिस्टेंस भी मार देगी, 400 किलोमीटर से ज्यादा, अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन रहेगी। और काफी कमाल की, मतलब बहुत साफ सुथरी लगी ना मेरा एक्सपीरियंस। और यहाँ पे अपने इवनिंग स्नैक्स आ चुके हैं और यहाँ पे क्या क्या, चलिए जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई डोर्स वगैरह बंद है तो बाहर से कुछ दिखा नहीं सकते, तो अंदर का खाना पीना आप लोग इन्जॉय करें। यहाँ पे रोस्टेड कैशू मिले, चलो एलमंड से कुछ तो बदला, और इसके अंदर है कटलेट, ठीक है संदीप भाई ने यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रखी है, तो ये देख लो आप लोग कटलेट, और साथ में सोहन केक, एक जूस, सॉस, फेशियल वाइप, और यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर, इसके अंदर सैंडविच है। कैसा है टेस्ट, ये सभी चीज़ आपको दिखाऊंगा, जल्दी से इसे ओपन करते हैं। चाय भी हम लोगों ने मंगा लिया, बस आपकी चाय का ही वेट कर रहा था मैं इसको शुरू करने से पहले। नॉर्मली ट्रेन्स में टिप टी वगैरह मिलती है किट के साथ, और इसमें चलो फ्रेश टी तो मिली। गाड़ी तो काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है, लेकिन बनी बनाई चाय मिल गई, ये बड़ी बात थी। पलवल स्किप है क्या? तो यहाँ पलवल को हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। अब टेस्ट कर लेते हैं ट्रेन के इवनिंग स्नैक्स में मिले हुए ये कटलेट। बहुत ही फ्रेश एंड टेस्टी, स्वाद काफ़ी अच्छा है यार इसका। मतलब नॉर्मली ब्रेकफास्ट में मैंने कटलेट खाया, और आज पहली बार किसी ट्रेन में मैं इवनिंग में कटलेट ट्राई कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी अच्छी गाड़ी में यात्रा करता हूँ ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा याद आती है मडगांव राजधानी की, जो मेरी अब तक की सबसे वर्स्ट जर्नी रही है फर्स्ट एसी में। पता नहीं ये जर्नी पहले आएगी या वो, पर उसकी यादों से उबर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा उसमें खाना पीना और सर्विस देखी मैंने। और इसमें जो चीज़ सैंडविच मिली है भाई, सच में बहुत टेस्टी यार चीज़, इसमें एक्चुअली में अच्छी खासी पड़ी हुई है, स्वाद काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। ट्रेन हमारी अभी धीरे धीरे इसके पर, संदीप भाई इवनिंग चाय के मज़े लेते हुए, पहली बार बनी बनाई चाय मिल रही ट्रेन में, बहुत अच्छी लग रही चाय अभी तो, चाय बहुत कम मिलती है ट्रेन। विंडो बड़ी साफ है ना इसकी, बहुत ही साफ सुथरा। लेकिन तो दोस्तों ये है ट्रेन का टू टायर, मतलब ये भी काफ़ी पैक था, पर बेस्ट चीज़ ये है कि अब यहाँ भी कर्टन्स वापस आ चुके हैं, तो आपको प्राइवेसी टू एसी में भी काफ़ी अच्छे ढंग से मिल जाएगी। तो इस ट्रेन का टू एसी जो है वो भी आपके लिए रिकमेंडेड है बिल्कुल। वैसे ट्रेन अपनी काफ़ी साफ़ सुथरी है, बाहर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ जो अपना कूप है वो भी बहुत साफ़ सुथरा है। तारीफ ज़रूर बनती है क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है वेस्टर्न रेलवेज़ द्वारा। और यहाँ पे कोटा जंक्शन आप लोग देख सकते हैं कितनी दूर पर है, और साथ साथ स्पीड भी हमें अंदर ही ट्रेन के देखने को मिल जाती है, मतलब स्पीडोमीटर की जो ज़रूरत है वो तो ख़त्म ही हो जाती है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ एक ज़ोरदार क्रॉसिंग देखने को मिली। तो गाइज ये है वॉशरूम हमारी मुंबई राजधानी के, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, इसे 10 में 10 रेटिंग ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि सच में काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। तो ये है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। अब हम लोग मथुरा जंक्शन जस्ट स्किप करने वाले हैं। जैसा बाहर डोर से दिखने वाला है उससे ज़्यादा साफ तो विंडो से ही दिख रहा है। फिलहाल मथुरा जंक्शन स्किप कर रहे हैं अराउंड 6:20 PM पे, और भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से स्किप कर रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं मथुरा से कासगंज फरुखाबाद का रूट गया हुआ है, दिल्ली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, अजनेरा के लिए लाइन गई हुई है, आगरा के लिए लाइन गई है, और कोटा वाली लाइन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं।
इसलिए मथुरा जंक्शन रेलवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और आप लोगों को बता दूं कृष्ण जन्मभूमि इसलिए मथुरा फेमस है। और यहाँ आ रहे हैं तो पेड़े ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपसे बात करते करते मथुरा जंक्शन हम लोगों ने अब स्किप भी कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे आगरा झांसी वाली जो लाइन है वो हमसे अलग हो गई और बढ़ चुके हैं हम लोग कोटा रतलाम वाली लाइन पे। और शाम जो है अब काफ़ी हद तक ढल चुकी है। अब इंतज़ार रहेगा कि देखते हैं भाई इसमें जो सूप आएगा वो फ्रेश आने वाला है या वो भी रेडीमेड आएगा। तो वैसे लाइन निकल चुकी है, बाय बाय। बहुत बार उस रूट पर हम लोगों ने दर्शन किए हैं। यहाँ पे अचनेरा वाली जो लाइन है वो आती हुई दिखाई दे रही है और ट्रेन हमारी काफ़ी सही रफ्तार में अब भरतपुर जंक्शन को स्किप कर रही है। बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कानपुर से आगरा फोर्ट आकर के जब मिलना चाहती हैं सवाई वाली लाइन पे, कोटा वाली लाइन पे, तो भाई यहीं से आकर के मिल जाती हैं। और हम लोगों ने भी गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस में एक बार जब जर्नी की थी तो आपको मैंने ये रूट डिटेल में दिखाया था। बाकी भरतपुर जंक्शन में भी हमारी ट्रेन धीरे नहीं हुई, अच्छी खासी रफ्तार में यहाँ से निकली और स्टेशन पार करने के बाद तो हम लोगों ने तुरंत ही 130 की रफ्तार को भी छू लिया था। हाँ लगा दीजिए। ट्रेन का बना वाला है या नॉर का? नॉर का है। तो इसमें भाई बना बनाया सूप तो खैर नहीं मिला है, नॉर के ही सूप को इसमें मिक्स करके दिया गया। अब देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। साथ में हमें सॉल्ट और पेपर यहाँ पे मिल जाती है, ब्रेड स्टिक और बटर मिल जाती है जो कि मेरा सबसे फेवरेट कॉम्बो है। फिर भी खैर मतलब सूप तो ठीक लग रहा है। अभी ये जो सूप है अगर ज़्यादा थिक होता है ना तो इसका स्वाद बहुत ख़राब आता है, और इसे अगर लाइट बनाया जाए जैसे इसमें बनाया गया है स्वाद फिर भी ठीक लग रहा है, काफ़ी सही है। जल्दी से इसे फिनिश करता हूँ क्योंकि ब्रेड स्टिक बटर और सूप का कॉम्बो मुझे काफ़ी पसंद है और इसके बाद तो आपको डिनर वगैरह तो दिखाना ही है। दोस्तों हमारे साथ संदीप भाई ट्रैवल करें जिन्होंने हाल ही में सियाल राजधानी में ट्रैवल किया था। सियाल राजधानी में तेजस पटना, तेजस राजधानी में सियाल दुरंतो में भाई सबका फर्स्ट एसी हम लोग चाट के बैठे हैं, ये सही में कहूँगा। बिल्कुल खाने पीने के लिए गए थे और ऑलमोस्ट बाकी राजधानियों में हमको बना बनाया सूप मिला है ट्रेन के अंदर जो कि बहुत टेस्टी था, सच में टेस्टी था वाकई में। और सियालदह दुरंतो का तो कटलेट और ये दोनों ही बहुत गजब थे, बहुत ही बढ़िया था सूप वहाँ का। और वैसे सियाल राजधानी का वैसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई और दिल्ली के बीच की कनेक्टिविटी है, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा। पर उसमें आपको कैसा मिला था सूप, बना बनाया या? उसमें भी सूप जो था वो बना बनाया मिला था और उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मतलब ट्रेन में ही बना था वो? ट्रेन में ही बना था, मतलब बोल तो वैसे ही रहते हैं और टेस्ट से भी लगा कि हाँ बिल्कुल वैसा ही था, मतलब बन के आया था फ्रेश। डिनर में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? डिनर में इस ट्रेन में एक्सपेक्टेशंस है भाई, मतलब मुंबई राजधानी है और मतलब बहुत पुरानी राजधानी है तो इसका जो लेवल है ना बहुत ऊँचा सेट करके मुझे लग रहा है कि शायद और अच्छा मिलने वाला है बाकी ट्रेनों की तुलना में। नहीं मतलब मैंने इसमें आज रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए चिली पनीर बनाई जाए अलग से, तो भाई टेस्ट करने का बहुत मन कर रहा है। मौसम अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, अब इतने पैसे दिए हमने 5,250 रुपये दिए हैं केवल एक रात भर के। और स्पेशल चीज़ ये कि मतलब हम बोल सकते हैं मेरे कुछ हमको कुछ स्पेशल खाना हो तो बोल सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे फर्स्ट क्लास की। देखना है मेरे को मतलब इसका खाना कैसे, एक्चुअल कंपेरिजन तो संदीप भाई कर पाए क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट ही दोनों रूट में किया है, तो भाई मेरे मैं तो इनके भरोसे मैं तो खाना। बाकी सूप तो ये नॉर्मल नॉर का सूप है, मतलब जस्ट पैकेट से काटा बना सकते हो, काटा गोला और पिला दिया बस वही है, कुछ नई बात नहीं है इसमें ना। चलो मिलते हैं डिनर में, देखते हैं क्या स्पेशल आ रहा है आज। यहाँ पे जो खाना है बिल्कुल गरम गरम हॉट केस में ला के हमारी सीट के बिल्कुल सामने रख दिया गया है, देखिए टेबल्स भी सजा दिए गए हैं और खाना एकदम तैयार है हमारे लिए। यार दोस्तों अभी हमारी ट्रेन सवाई माधोपुर को स्किप कर रही है 130 की रफ्तार में। कुछ ऐसे दिखाना पड़ रहा है, रफ्तार बहुत सही है, वाओ गजब की रफ्तार। थैंक्स टू वेस्टर्न रेलवे फॉर दिस। चलते हैं अंदर, क्योंकि अपना जो डिनर है वो सर्व होने वाला है।
ये सही है। जो फर्स्ट एसी का खाना है वो पूरा ट्रेन के पेंट्री में ही बनता है ना भैया? हाँ, बाकी थ्री और टू का तो बाहर चढ़ाया जाता है, वो बेस किचन से बन के आता है। पूरा पैसेंजर का इधर रेडी नहीं है, सही। और इसमें हमारे लिए है स्पेशल चिली पनीर, वाओ। तो गाइज ये आया है चिली पनीर, जो कि सच में यार बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। सच में जानना जरूर चाहूँगा मैं इसका स्वाद कैसा है। कैसी दाल नंदी भाई ने चुपके से टेस्ट कर ली? कैसी कैसी है? सबसे पहले दाल टेस्ट करता हूँ। बढ़िया है दाल, वाकई बहुत ही बढ़िया है। मतलब बहुत अच्छी लगी, मतलब सच में लाजवाब होगी। अब देखते हैं बाकी चीज़ें क्या बाकी हैं। यहाँ पे गरम गरम पनीर भी है वो जो सर्व की जा रही है, काफ़ी फ्रेश लग रही है, दिखाइए। वाह वाह वाह, बढ़िया, थैंक यू भैया। फाइनली अपना स्पेशल डिनर जो है वो आ चुका है भाई, चिली पनीर हम लोगों ने बनवाई थी अलग से रिक्वेस्ट करके। परफेक्ट सॉसेस का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। सच में प्याज भी अच्छा लगा इसका तो। वैसे बाकी संदीप भाई ने तो दाल की बहुत तारीफ की, मुझे दाल अच्छी लग रही है। उनको पनीर से ज़्यादा अच्छी तो दाल लग रही है। तो वाकई में बहुत अच्छी बनाई है, टमाटर प्याज का तड़का भी है, दाल अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, मतलब केवल अच्छी नहीं कहूँगा, मेन चीज़ है टमाटर प्याज का तड़का। और जो घर में नहीं बनती है थोड़ी ठीक, थोड़ी गाढ़ी दाल बनती है वैसी। बहुत अच्छा। हाँ ले आइए राइस, थोड़े ले आइए। बाकी थोड़ी थोड़ी देर में भैया लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या चाहिए एक्स्ट्रा चीज़ें। पुलाव भी है अभी इसके बाद, केवल ऐसा नहीं कि रोटी ही दी जाएंगी। कढ़ाई पनीर का भी स्वाद बहुत अच्छा है एक्चुअली में। ऑयली दिख रही है लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है, लिटरली एक्सपीरियंस वर्थ है। क्योंकि हमारे जस्ट पीछे ही पैंट्रिक आ रहा है, वहीं से गर्म गर्म हॉट केस में आ रहा है, सीधा हमारी सीट में सर्व किया जा रहा है। लिटरली वर्थ एक्सपीरियंस है मुंबई राजधानी का ये। वैसे अभी हम लोगों ने सवाई माधोपुर को स्किप किया, और आपको जान करके हैरानी होगी हम लोगों ने 300 किलोमीटर की दूरी को लगभग 2 आवर्स 45 मिनट्स में कवर किया था, और सवाई तक अराउंड 350 किलोमीटर की दूरी होगी ऑलमोस्ट, जो हमने 3 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में ही पूरा कर लिया था। सच में भाई बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया चल रही अपनी राजधानी एक्सप्रेस। और डिनर ख़त्म करते करते कोटा में होंगे, तो मुलाकात होगी आप लोगों से सीधा कोटा में, और पुलाव देखते हैं क्या आने वाला, स्पेशल दिखाते हैं आपको भैया रोटी। वैसे एक और चीज़, पुलाव काफ़ी अच्छा इसमें सर्व हुआ है, पहली बार मतलब मैं किसी ट्रेन में देख रहा हूँ जिसमें मटर और गाजर दोनों डाल के पुलाव सर्व किया जाए डिनर में। बीन्स भी पड़ी है एक्चुअली। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का खाना राजधानी में हमें आज सर्व हुआ, मतलब खाने की सच में तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे एक और दिक्कत ये है कि ब्रेकफास्ट से मेरी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। डिनर इतना अच्छा खिला सकते हैं तो शायद देखिए कटलेट और अच्छे हैं, और एक कटलेट और एक पोहा ऑर्डर किया हमने, देखते हैं कैसा आएगा कल सुबह। दिखाओ तो क्या क्या वैरायटी लाए हो भैया, ये बटर स्कॉच जी सर, और क्या क्या दिखाओ तो पास लागे। तो यहाँ पे भैया अच्छा खासा वैरायटी लेकर आ गए हम लोग के लिए, वनीला स्ट्रॉबेरी भी है क्या एक, ये भी बटर स्कॉच है, अच्छा वो भी बटर स्कॉच, अच्छा बहुत अच्छा वैरायटी है भाई। फाइनली किसी राजधानी में वैरायटी मिली आइसक्रीम, मतलब अब तक मुझे कोविड काल के बाद, मतलब कोविड काल तो चल ही रहा है, जब से केटरिंग शुरू हुई किसी राजधानी मुझे वनीला के सिवा कुछ नहीं मिला है, चाहे फर्स्ट एसी ले लो, थ्री एसी ले लो, टू एसी ले लो, कुछ भी ले लो, और फाइनली बटर स्कॉच अपना फेवरेट फ्लेवर। तो भाई देखिए इसका स्वाद कैसा है। फाइनली बटर स्कॉच की आइसक्रीम आ चुकी है, और फ्लेवर काफ़ी अच्छा है इसका, मुझे तो मतलब पर्सनली काफ़ी पसंद है। और बटर स्कॉच के इसमें मुझे अंदर कैरमल के पीसेस भी मिल रहे हैं, तो आइसक्रीम का स्वाद में तो मज़ा आ रहा है। हाँ लेकिन एक चीज़ है कि कोटा बस 10 किलोमीटर बचा है, जल्दी से कोटा पहुँचते हैं, कम से कम 460-465 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली डोर खेलेंगे और थोड़ा नीचे जाके बाहर की हवा देखने को मिलेगी भाई कैसी चल रही है। फाइनली हम लोग कोटा जंक्शन जो है वो पहुंच चुके हैं। 9:30 हमारा अराइवल टाइम था, ट्रेन तो यहाँ 9:15 ही आ चुकी थी लेकिन आउटर में रोके रखा गया, और एकदम राइट टाइम प्लेटफॉर्म में एंट्री दी जा रही है। फर्स्ट एसी का जो कोच, इसको आप बाहर से देख लो,
और ये अपनी डी कूप, मैं और संदीप भाई बाहर आ चुके हैं इससे बाहर, बाकी सामान अपना सेफ है क्योंकि डोर जो हमने बंद कर दिया था। ये अपनी मुंबई राजधानी और ये अपना फर्स्ट एसी का कोच। इस 465 किलोमीटर की दूरी में हम लोगों ने बहुत सारे राज्यों को कवर किया है। दिल्ली से चले, उत्तर प्रदेश पहुँचे, फिर MP पहुँचने वाले थे लेकिन उससे पहले ही निकल लिए राजस्थान की ओर, और राजस्थान में आपका स्वागत है। मतलब आप लोगों ने दुरई सारीज के बारे में सुना होगा, उसके लिए फेमस है कोटा, साथ साथ कोटा अपने स्टोन के लिए भी फेमस है। IIT और NIT की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स इससे अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि उन्हें अगर प्रिपरेशन करनी है तो कहाँ जाना है, और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मूल्यवान समय यहाँ बिताया है किसी एग्ज़ाम की तैयारी में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। साथ साथ अपनी गोल्ड ज्वेलरीज के लिए फेमस है कोटा और सिल्क साड़ीज़ के लिए भी। और यहाँ आने के बाद जब बहुत देर बाद हमारी ट्रेन का डोर खुला है ना, तब जा करके थोड़ा मज़ा आया। और मतलब लास्ट टाइम जब इस ट्रेन का पहला रन था नई दिल्ली से मुंबई के लिए तेजस रेक्स के साथ, तब हमने ट्रैवल किया था, बहुत सारे लोग जो है वो छूट जाते हैं क्योंकि इससे जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तुरंत भाई हम लोग चलेंगे कोच के अंदर वापस, क्योंकि सफिशेंट टाइम मिल गया हमें वापस एक दूसरे से बात करने के लिए। कोटा स्टेशन देख लीजिए, चला जाए अंदर। दोस्तों कोटा जंक्शन से जो रूट गए हैं उनकी भी जानकारी यहाँ दी गई है। 12 गुना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन सभी रूट्स के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। खैर रास्ते में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं आज, और उन्हीं में से है अपनी राजधानी का स्पेशल डिनर और एक धमाकेदार रफ्तार। यहाँ तक ट्रेन बहुत ही बढ़िया चली है, लगातार 130 की रफ्तार में आते हुए ट्रेन यहाँ समय से पहले ही पहुँच गई है कोटा जंक्शन। तुम ऑन टाइम बंद हो गया प्लेटफॉर्म के अंदर ही। भाई जिसको छूटना नहीं है टाइम से अंदर आ जाना, क्योंकि भाई राजधानी पंक्चुअल है और आप बाहर रह जाओगे। सच बात कहूँ तो बाहर से ज़्यादा क्लैरिटी तो मेरे को अंदर की विंडो पे आ रही है। डोर पे लोग हैं, आवाज़ें हैं, और यहाँ मैं आपको शांति से हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो दिखा सकता हूँ। कोटा से भी बिल्कुल राइट टाइम चल चुके हैं, लेकिन मेरी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, समय से ट्रेन के अंदर आ जाना वरना आप सच में छूट जाओगे, क्योंकि ये ट्रेन पंक्चुअल है, साथ साथ इसके जो डोर हैं वो भी पंक्चुअल है, तुरंत बंद हो जाते हैं। जिन लोग को दमोह, जबलपुर, इन सभी रूट्स के लिए जाना है, आपके लिए कोटा सही जगह रहेगी उतरने के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ नागदा जंक्शन हम लोग पहुँचे हैं। देखिए समय से 10 मिनट पहले 11:57 का अराइवल टाइम था और 11:47 ही पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी स्टेशन में जाने वाले यात्री अपनी जो ट्रेन है वो बदलते हैं। दोस्तों यहाँ 691 किलोमीटर की दूरी तय करके 7 घंटे के लगातार रन के बाद अब अपनी गाड़ी सेकंड हॉल्ट नागदा जंक्शन पहुँची है। उज्जैन, इंदौर, ये सभी रूट में जाने वाली यात्री यहीं पर ट्रेन बदलते हैं। रणथंभौर एक्सप्रेस जो कि जोधपुर, इंदौर के बीच में चलती है, वो भी यहीं से रिवर्सल लेती है। तो भाई इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है। इसके बाद 40 किलोमीटर दूर है रतलाम जंक्शन, जहाँ पर अपनी ट्रेन रुकेगी। और भाई रात के समय ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, डोर वगैरह भी बंद है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। नींद भी भयंकर आगे आ रही है, लेकिन दिखाना है रूट तो कवरेज चालू है आपके लिए। ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं इसलिए डर हमेशा बना रहता है ऐसी गाड़ी में। कहीं भी हॉर्न सुनाई देता है तो लगता है जैसे मतलब अपनी गाड़ी जो है वो छूटने वाली है। वैसे फिलहाल रेड सिग्नल है, लेकिन ऑटोमेटिक डोर वाली गाड़ी से हमेशा बच के रहना भाई, अगर नीचे रह गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सामान वगैरह ट्रेन के अंदर है, हम हो जाएंगे ट्रेन के बाहर, तो भाई जो जर्नी है वो ख़राब हो सकती है। वैसे मैंने एक बॉटल पानी और ले लिया रात के लिए, क्योंकि भाई मेरे को पानी रात भर में ज़्यादा लगता है। तो भाई नागदा से भी निकलने का अब समय अपना हो चुका है। ये देखो उल्टा है। बोर्ड वहाँ पड़ा रह गया, हम लोग बोर्ड का इंतजार कर रहे थे। अरे यार नागदा वालों बुरा मत मानना। लाइट से पूरा मतलब ये सिग्नल एकदम लाइन से। वाओ ये मजे है। फर्स्ट एसी में डोर वगैरह बंद कर लो और ऐसे ही रात में नज़ारों का आनंद लो। दोस्तों यहाँ पे हम लोग रतलाम पहुँच रहे हैं, लेकिन आपको वो लाइन वहाँ पे क्यूकर वाली देखने को मिल रही होगी। बहुत ही खूबसूरत सा क्यूकर रतलाम में बना हुआ है, आउटर पे जो देखने को मिलता है। और थोड़ा समय से पहले हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो लेफ्ट साइड वाले जो प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं, पहले ये मीटर गेज ट्रेन्स के लिए होते थे, और अभी जिसमें हम लोग पहुँच रहे हैं ये तो हमेशा से ही ब्रॉड गेज के लिए रहे हैं।
रतलाम एक मीटर गेज का बहुत ही बड़ा हब रेलवे स्टेशन हुआ करता था। खैर अब तो कम्प्लीटली ब्रॉड गेज एंड इलेक्ट्रीफाइड रूट हो चुके हैं यहाँ पे। कड़ी सुरक्षा के बीच में हमारी मुंबई राजधानी समय से पहुँच चुकी है रतलाम जंक्शन। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रतलाम जंक्शन पहुँच रहे हैं। रात में 12:27 का अराइवल टाइम था, 12:29 पहुँच रही है, 3 मिनट का मात्र हॉल्ट है यहाँ पे। भाई रतलाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा जंक्शन है। यहाँ से इंदौर के लिए लाइन गई हुई है नगदा होते हुए, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है। एक डायरेक्ट लाइन भी गई हुई है आई थिंक फतेहाबाद होकर के चित्तौड़गढ़ के लिए डायरेक्ट लाइन है, जिससे आगे रूट अजमेर की ओर जाता है, उदयपुर की ओर जाता है। और हम बढ़ रहे हैं अभी यहाँ से वडोदरा वाली लाइन की ओर। रतलामी सेव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्टेशन में तो पोहा जलेबी ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अगर भाई राजधानी में टिकट ना होती और इतना अच्छे से खाया ना होता ना, तो एक और बार भूख लग जाती, क्योंकि सच में रतलाम साइड में जो पोहा मिलता है, एमपी में जो पोहा मिलता है, वो आपको मतलब आप इंडिया के किसी भी कोने में खा लो आपको वो स्वाद नहीं आएगा। बाकी ओवरऑल अब इसके बाद तो खैर सोया जाएगा। जहाँ पर अपनी ट्रेन राइट टाइम पहुँची ही है, 2-3 मिनट का हॉल्ट है, बाहर जाएंगे वही डोर वाला टेंशन, उससे अच्छा अंदर से एकदम साफ ढंग से दिखाई दे रहा है आपको, यहीं से दिखा दे रहे हैं। हाँ, जहाँ अराइवल टाइम पे आपको एक WP5 लोकोमोटिव दिखाई दिया था ना, वहीं पे आती है वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस इंदौर से आने वाली, और उसके बाद उसका रिवर्सल होता है। और स्टार्टिंग में जो क्यू कर्व दिखाया था मैंने आपको, वो उस ब्रिज के ऊपर घूम कैसे जाती है और क्यू कर्व पार करते हुए निकल जाती है चित्तौड़गढ़ की ओर, और वहाँ से निकलती है उदयपुर की ओर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट है रतलाम से, और रतलाम जंक्शन भी काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ दूसरी तरफ भी तेजस राजधानी आ चुकी है। ये है हमारी ट्रेन की अप वाली गाड़ी, यानी ये जा रही है अभी दिल्ली की तरफ, हम लोग आ रहे हैं दिल्ली तरफ से, और ये भी मतलब बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे पहुँची है। और यहाँ बिल्कुल समय से दिल्ली की ओर जाने वाली तेजस राजधानी छूट भी गई है, और वैसे तेजस राजधानी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और इसके साथ हमारा भी जो डिपार्चर है वो रतलाम जंक्शन से अब होता है, हमें भी डिपार्चर सिग्नल अब यहाँ से मिल चुका है। खैर रतलाम से निकल चुके हैं, दूसरी तरफ राजधानी भी देखी हमने, पर मैं आप लोगों को बता दूं जिस स्पीड में राजधानी आई है ना, काफ़ी इम्प्रेसिव रही है। मतलब नागदा तक आपने देखा 7 घंटे में 700 किलोमीटर, यहाँ भी देखिए 7.5 घंटे में 730 किलोमीटर, तो हम लोगों ने ऐसे ही फ्लैट तय कर ही लिए। और भाई लगता है चेन पुलिंग या कुछ हुआ है, गाड़ी ने पावर ब्रेक मारे फिर से। और यहाँ पे देखिए अजमेर और खंडवा जाने के लिए यहाँ से गाड़ी बदली है, रतलाम में लिखा है। एक ज़माने में मीटर गेज का बहुत ही बड़ा जंक्शन हुआ करता था रतलाम रेलवे स्टेशन, रतलाम से अकोला खंडवा इन सभी रूट्स के लिए मीटर गेज ट्रेन चलती थी, वाया हमारा इंदौर महू, जिसे आप डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से अभी जानते हैं। ये सभी रूट जो है पूरे मीटर गेज के थे, इनफैक्ट AC ट्रेन्स भी चलती थी मीटर गेज की, इसीलिए काफ़ी इंप्रेसिव है भाई रतलाम जंक्शन, इसलिए मतलब मेरी भी यादें जुड़ी हुई हैं। और रतलाम के जो एल्को लोकोमोटिव थे उनका जो सिंबल है, वो जो लोकोमोटिव थे मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद थे। तो फिलहाल अब रतलाम से भी गाड़ी चल चुकी है, अब सोया जाए क्योंकि कल सुबह उठना है और देखना है भाई मुंबई लोकल के साथ रेस, और मुंबई भी पहुँचना है अपने को। रात काफ़ी हो चुकी है, अब ज़्यादा को दिखाने के लिए है नहीं। अब हमारी ट्रेन इसके बाद रुकेगी सीधा वडोदरा में, फिर सूरत में, बस 2 ही हॉल्ट हैं, फिर सीधा बोरीवली में जो कि मुंबई के अंदर आता है, उसके बाद मुंबई हम कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी तो हम लोग सो ही रहे थे और सुबह के 6:30 हो रहे हैं, यहाँ पर हमारी मॉर्निंग टी भी आ चुकी है।
तो बस अब जल्दी से उठा जाए, फ्रेशअप हुआ जाए, ब्रश वगैरह करके अब देखते हैं भाई मॉर्निंग टी का आनंद उठाते हैं। वैसे हमारी ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में भी लगातार बढ़ रही है अपने सफ़र में, और 8:30 बजे तक हम लोग मुंबई भी आज पहुँच जाएंगे। अभी बनी बनाई चाय पिलाने के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं। हमारी ट्रेन ने धानु रोड वगैरह स्किप कर लिया, पालघर की ओर तेजी से बढ़ रही है लगातार 130 की रफ्तार। रात में भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। वैसे राजधानी की बात की जाए तो उसका रन काफ़ी कमाल कर रहा है यहाँ तक, और चाय भी आ चुकी है। सुबह सुबह हम लोग दोनों सो ही रहे थे, तभी अचानक से भैया ने नॉक किया और बताया कि भाई आपको चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसके बाद नाश्ता जो है वो भी हम सर्व करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, जल्दी से उठे, ब्रश वगैरह किया और चाय के लिए तैयार है, क्योंकि इसके बाद सोते रह जाएंगे तो जैसे हम लोगों ने बाकी रात के स्टेशन मिस किए वैसे पता चला मुंबई अराइवल में उठना, क्योंकि नींद काफ़ी बढ़िया आई है ना आज। टेम्परेचर बहुत ही सूदिंग था और एक एक चौड़े चौड़े बेड मिले हुए दोनों को, तो बंकर बेड की तरह सो गए इसमें। बाकी फ़िलहाल जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, नाश्ता वगैरह आएगा वो आपको दिखाते हैं। गलत बात है यार, मतलब सुबह 7 बजे अपना जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है, जिसमें कटलेट हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, और पोहा वगैरह इसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन रतलाम में बड़ी याद आ रही थी तो वो भी मिल चुका है। चलो साथ में एक फ्रूट मिल जाता है यहाँ पे आपको, जैम सॉस बटर और यहाँ पे ब्राउन ब्रेड और साथ में कॉर्नफ्लेक्स और अभी मिल्क भी दिया जाएगा अलग से बॉल में। टेस्ट करते हैं इन सभी फ्रेश चीज़ों को और बताते हैं कैसा इनका स्वाद। कटलेट का कत्ल हो चुका है यहाँ पे। अच्छा भाई, बहुत अच्छे, काफ़ी गर्म है और कच्चे तो नहीं है आज। नहीं कच्चे नहीं है, पर बताए एक बात, अगर बात कंपेरिजन की चल रही है तो मैं यहाँ पे CR और WR कंपेरिजन कर सकता हूँ। CR का जो कटलेट था वो बहुत ही अच्छा था, इससे काफ़ी अच्छा था और ये कटलेट भी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर अगर बात कंपेरिजन की रही तो बस मैं बता रहा था कि उसका कटलेट काफ़ी अच्छा था। और डिनर की बात की जाए तो डिनर इस ट्रेन काफ़ी अच्छा था, झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ ये ट्रेन का डिनर बहुत अच्छा था। तो भाई देख लो बराबरी की टक्कर चल रही है, कोई अच्छा खाना रात में दे रहा है, कोई अच्छा खाना दिन में दे रहा है, पर यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी आ चुकी है। तो फाइनली देखते हैं भाई पोहा कैसा है। संदीप भाई ने कटलेट का तो रिव्यू कर दिया, पोहा का मैं करना चाहता था, पर एकदम सूखा बना है, एकदम सूखा। तो इसके साथ एक और चाय चाहिए अपने भैया, एक और चाय लेके आना। नॉट रिकमेंडेड, मतलब ब्रेकफास्ट ठीक है, चलो कटलेट भी टेस्ट कर ही लेते हैं जब बात चली रही टेस्ट करने की। मतलब कटलेट स्वादिष्ट हो, ऐसा नहीं कि बेकार है। नहीं, मैंने बेकार नहीं बोला, ठीक है, अच्छा है। तुलना की बात की जाए तो संदीप भाई ने बता दिया, लेकिन हाँ बाकी टेस्ट अच्छा है कटलेट का। पोहे कुछ ज़्यादा ही ड्राई है तो वो मत लेना आप लोग ट्रेन में, जब ऑप्शन आपको मिले कटलेट ले लेना। साथ में ब्रेड दिया गया है उसमें बटर लगा के बढ़िया उसे खाओ, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क मिल जाएगा उसे भी फिनिश करो, बाकी तो पैक्ड आइटम ही है। फिनिश करते हैं जल्दी से इसे और अब जल्दी आपको मुंबई में मिलते हैं। तो दोस्तों देखते ही देखते अब हम लोग मुंबई के अंदर चल रहे हैं, और वैसे आप लोग को मैं बता दूं इस ट्रेन का जो किराया है ना ये पड़ा है मुझे 5,275 रुपये, यानी 5,275 रुपीज़, जिसमें 530 रुपीज़ केटरिंग चार्ज है। अगर बात की जाए इसके 2 AC किराए की तो वो है 3,175 विदाउट डायनमिक, और 3 AC का पड़ेगा आपको 2,345 रुपीज़। जैसे जैसे सीट्स भरती जाती हैं 3 AC और 2 AC में डायनमिक फेयर ऐड होता जाता है, 4,500 यानी 4,500 किराया देना पड़ता है आपको अगर ट्रेन में 50% से ज़्यादा सीट भर जाती हैं 2 AC में। तो इसलिए उस टाइम पे आप 1 AC को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि
थोड़े से रुपए ज़्यादा दे करके आप इतनी बेहतरीन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। यही हुआ मेरे साथ, तो मैंने भी इसीलिए इसमें कराया था क्योंकि लास्ट मोमेंट में आजकल टिकट करा रहा हूँ और इसमें ज़्यादा बेटर रेट्स में जब मिल रही है, इतनी अच्छी सारी सुविधाएँ मिल रही हैं, तो क्यों ना आपको ये सभी चीज़ें दिखाई जाएँ। ओवरऑल राजधानी ट्रेन्स की बात की जाए तो दिल्ली से मुंबई के बीच में 3 राजधानियाँ चलती हैं, जिसमें से एक राजधानी जिसे अभी आप देख रहे हैं, दूसरी अगस्त क्रांति राजधानी, तीसरी है सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी। अगस्त क्रांति सेम रूट पे जाती है लेकिन उसके स्टॉपेज से कई ज़्यादा हैं। और अगर बात की जाए सीआर राजधानी की, तो वो जहां मथुरा से मैंने आपको आगरा वाला रूट दिखाया था उसी रूट पे बढ़ जाती है और वीरांगना लक्ष्मीबाई, भोपाल, मनमाड़, इन सभी रूट के रास्ते पहुँचती है मुंबई CSMT। इन सभी रूट्स के रास्ते वो पहुँचती है मुंबई CSMT। तो भाई कुछ ऐसा रहा राजधानी में हमारा सफ़र, जल्दी पहुंचने वाले हैं बोरीवली, आप लोगों से जल्दी मिलता हूं। और यहां हमारी ट्रेन आ चुकी है आज के अपने पहले हॉल्ट डे 2 के यानी बोरीवली में, और यहां भी मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है, जिनको उतरना होता है वह जल्दी जल्दी उतर जाते हैं यहां पे, और आप लोग भी उतर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ओपन डोर वाली ट्रेन से आ रहे हो तो लगेज सेफ्टी का ज़रूर यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे लगेज की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। RPF तो खैर है सतर्क, लेकिन हमें भी सतर्क रहने की ऐसी ट्रेनों में ज़रूरत होती है। खैर यहाँ पे हम लोग समय से निकल भी जाएंगे क्योंकि अपनी ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स हैं जो कि बंद होंगे, और चलिए निकलने का जो हमारा समय है वो हो चुका है। और इतना ही नहीं, मुंबई की जो लोकल ट्रेन्स हैं ना, वो सच में मुंबई की जान है, क्योंकि लोगों को इतने बड़े शहर में इतनी दूर तक वो भी बिना डीले के पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको यहाँ की लोकल ट्रेन बाखूबी निभाती है। लोग डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे एक एंड से दूसरे एंड शहर के ट्रैवल करते हैं मुंबई लोकल के भरोसे। बाहर से कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो यहाँ संदीप भाई गुनगुना रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो मतलब मुंबई आते ही इनको मतलब बॉलीवुड का शौक चढ़ जाता है। और बॉलीवुड आज के नहीं, जो पुराने जमाने के जो किशोर कुमार के जो गाने होते थे, यही सड़कों प्यार अच्छे अच्छे गाने शूट हुआ है मुंबई की, मतलब लोग अपने सपने लेकर आते हैं यहाँ पे कि हीरो बनना है, ये बनना है, वो बनना है, मतलब सपनों के शहर मुंबई में हम लोग जब चल रहे हैं तो ऐसी चीज़ तो स्वाभाविक है। वैसे एक बात है संदीप भाई, जो ब्रेकफास्ट में आपको अगर ये मिला था, आपको कटलेट पोहा वगैरह मिला था, उसके बजाय अगर वड़ा पाव, दाबेली ये सब मिलता था, ये चीज़ होना चाहिए, मतलब है ना? जिस स्टेट में आप जा रहे हो ना, जिस स्टेट की ट्रेन है ना, अगर वहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है वो अगर मिले तो भाई मतलब बात तो ज्यादा मजा आएगा, मतलब साबुदाना वड़ा ऐसी चीजें यहाँ की लगा, लोग फिर खींचे चले जाएंगे, लोग देखेंगे और प्रमोशन मिलेगा, मतलब रेलवे को प्रमोशन होती है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज इंक्लूड होगी ना तो बाहर के देशों में लोगों को मतलब मिलेगा ना कि हाँ अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो गुजरात का हमको ये मिलेगा, महाराष्ट्र का ये मिलेगा, तो और ज्यादा मतलब एक तरह से लालच आएगा ट्रैवल करने का और ज्यादा लोगों को अच्छा लगेगा। जैसा ये कोई अगर फॉरेन में रहता है, वो अपने घर जा रहा है, दिल्ली लैंड किया है, मुंबई की राजधानी लेगा, तो मतलब सुबह से ही खुश रहेगा यार, देखो दिन की शुरुआत होगी ना, वही दिखा पाए हमारे इंडिया कितना डाइवर्स है यार, कितना ज्यादा वैरायटी मिलती है उसको, मतलब सच में कितना डाइवर्स है, हर राजधानी में सुबह रात में पनीर दाल सुबह कटलेट थोड़ी चले लगती है, बस अलग होना चाहिए। वैसे IRCTC तेजस ने किया था यार, पापड़ा खाखरा और क्या क्या उसमें सुबह सुबह नाश्ते में लगाया था, अब तो नहीं है कुछ ना, पता नहीं, अब तो देखना पड़ेगा वापस ट्रैवल करें। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ट्रैवल करना चाहिए क्या अहमदाबाद तेजस में? अगर चाहते हैं ट्रैवल करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोशिश करेंगे कि जल्दी उसे भी कवर किया जाए। फिर मतलब यहाँ कूली भाई लोग भी तैयार हैं, क्योंकि इतनी पुरानी राजधानी है, इतने सालों से इन लोगों को एक नौकरी दे रही है, एक जॉब दे रही है। दोस्तों फाइनली अपने सफर को तय करके पहुंच चुके हैं सपनों के शहर मुंबई सेंट्रल, और यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, अब ये गाड़ी अगस्त क्रांति राजधानी बन के जाएगी। बोर्ड वगैरह चेंज हो गए हमारे सामने, पहले इसमें मुंबई राजधानी के बोर्ड थे, अब
अगस्त क्रांति के बोर्ड लग चुके हैं, डोर भी बंद हो गए थे 40 पे ही, तो 5 मिनट का टाइम था उतरने का, तो अंदर बैठ के गप्पे मत लड़ाना, उतर जाना टाइम से। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जानते हैं संदीप भाई से। संदीप भाई, कैसा था आपका एक्सपीरियंस राजधानी में आज? राजधानी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया था, और ये पहली बार मैं फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ इस राजधानी के। हाँ, सब कुछ बढ़िया था, मतलब खाना पीना सब कुछ बढ़िया था, और गाड़ी एकदम पंक्चुअलिटी बढ़िया थी, मतलब 2 मिनट पहले यहाँ पे शायद आई है। हाँ हाँ, तो पंक्चुअलिटी भी काफ़ी बढ़िया, कहीं कहीं तो ओवर बिफोर टाइम पहुँची थी गाड़ी। स्पीड के बारे में मज़ा आ गया ना, 1385 किलोमीटर लगातार भाग रही गाड़ी, 700 किलोमीटर करीब 7 घंटे में ऐसे पहुंची ट्रेन, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सभी ट्रेनों का ऐसा होना चाहिए। हाँ, मतलब मुंबई के अंदर आके जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी धीरे होती है, बाकी पीछे तो इसीलिए 88 का एवरेज दिया, वरना तो 100 का एवरेज तो मेंटेन कर ही रही थी गाड़ी लगातार। ऐसा अगर नॉर्मल सुपर फास्ट को कर दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। अगर 1300 किलोमीटर की जर्नी को सिर्फ 12 घंटे में कवर कर लेना, अरे यार गजब की गजब, मजा आ जाएगा, मजा आएगा। और वैसे की बात करें तो खाना पीना ट्रेन में ही बनता है, जो कि आपको फ्रेश मिल जाता है। बाकी शावर रूम भी आपको मिलता है फर्स्ट एसी में, जिसमें आप नहा सकते हो अगर लंबी जर्नी या कहीं आप दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो। वैसे हमें फील नहीं हुआ कुछ, क्योंकि बाहर निकलना ही नहीं पड़ा, डोर्स वगैरह बंद हो रहे थे, तो हवा मुंह में लगी नहीं कहीं डस्ट वगैरह कुछ, तो वैसे ही अपना जो सफर था वो कट गया। फिलहाल इस वीडियो में बहुत ही साफ सुथरा सफर था, बहुत ही साफ सुथरा सच में यार, मतलब फ़ोन भी नहीं साफ करना पड़ा एक बार भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी ऐसे और बहुत सारी ट्रेन जर्नीज में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा, मतलब नीचे लाइक का बटन दिया उसमें जाके क्लिक करो, मन में मत सोचो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।